हमारा चैनल में स्वागत है। तो आज आप लोगों के लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक। टॉपिक क्या है? जो बेनामी मछली को ग्रोथ इंप्रूव कैसे करें। अगर आपकी ग्रोथ अच्छा नहीं आ रहा है, मछली का ग्रोथ नहीं ज़्यादा दे रहा है, इसलिए हम लोग लेकर आए हैं एक आपके लिए मेडिसिन जो ग्रोथ इंप्रूव में बहुत हेल्पदायक होगा। तो चलिए आप लोगों को मेडिसिन दिखाते हैं। आप देख सकते हो एक ग्रोइल पाउडर है, ग्रोइल कंपनी का है, प्राइवेट लिमिटेड का ये पाउडर। अब आप यूज करोगे भैनामी मछली में फीड के साथ, उसको मिक्स करके देना पड़ेगा खाने के लिए, तो मछली का ग्रोथ अच्छा आएगा। जिस भाई लोगों के फार्मिंग में ग्रोथ अच्छा नहीं आ रहा है मछली का, तो ये पाउडर यूज कर सकते हैं। ये पाउडर बहुत लाभदायक है। अगर जिस भाई और का मछली में ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो ये इस पाउडर को यूज कर सकता है। यो इस पाउडर को यूज करने के लिए मछली का बॉडी वेट 10 ग्राम होना चाहिए, 10 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा मछली को ये पाउडर दिया नहीं जाता है, क्योंकि ये विटामिन है। और अगर आप लोग छोटा मछली को विटामिन देना चाहोगे, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। तो ये वीडियो है बड़े मछली के लिए, 10 ग्राम वेट 10 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए मछली का। अगर मछली का वेट 10 ग्राम से ज़्यादा होगा, तो ये पाउडर आप लोग यूज कर सकते हैं। जिसका ग्रोथ अच्छा से नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि एक हफ्ते में 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये पाउडर को आप यूज करोगे तो कंपल्सरी 2 से या 3 ग्राम तक दे सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि ये ग्रोइल पाउडर का आप लोग यूज करोगे तो अच्छा आएगा। हमने भी यूज किया है, हम ऐसे बता नहीं रहे, हम यूज करके आप लोगों को बता रहे हैं कि ये पाउडर यूज करिए। इसका बहुत आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें विटामिन क्या क्या है। इसमें विटामिन लाइक ए, ई, D3 है, B1 है, B2 है, B6 है, B12 है, बहुत सारे इसमें विटामिन है। तो दोस्तों इसको यूज कैसे करें? तो पहला बात है, कितना इसमें वजन से देना पड़ेगा, पाउडर को कितना वजन में देना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लीजिए 1 किलो फीड में 10 ग्राम देना पड़ेगा। मान लीजिए 5 केजी, 1 मील में 5 केजी फीड मछली ने खा रहा है, तो इसको 50 ग्राम देना पड़ेगा। तो इसको कैसे यूज करेंगे? ये जो पाउडर होता है, ये पाउडर को आप थोड़ा पानी में मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद बाइंडर दीजिएगा, जैसे चीट वाला उसका आता है बाइंडर, उसका नाम है वो बाइंडर। इसमें मिक्स करके फिर फिट के साथ मिक्स करना है। अगर फिट को मिक्स नहीं करेंगे तो मछली को खाने में कैसे देंगे? फिट के साथ मिक्स करना है। उसके बाद दोस्तों धूप में सुखाने का, फिट को 1 से आधा घंटा फिट को सुखा देने का, क्योंकि फिट को नहीं सुखाएंगे तो पानी में डालेंगे तो पानी में मिक्स हो जाएगा। अगर इसको सुखा देंगे, फिट को पानी तो धूप में सुखा देंगे, तो फिट सूख जाएगा और नष्ट होने का उसमें कोई चांसेस नहीं है। मछली को आराम से खाने को दे सकते हैं, मछली खाएगा ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंप्रूव आएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ऐसी नई रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहना। आज के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद, जय जगन्नाथ।